हेलो नमस्कार, मैं साकेत, आप देख रहे हो हिटमी 05। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 30 जून तक मोरेटोरियम मिलेगा, क्या है पूरी कहानी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम श्री उद्धव ठाकरे जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि जीएसटी रिटर्न का जो डेट है उसको आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए और मोरेटोरियम को भी उनके स्टेट में प्रोवाइड किया जाए। मैं बात करूँगा सिर्फ उनके स्टेट में नहीं, ये सभी स्टेट में प्रोवाइड किए जाने चाहिए। बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे अभी लॉकडाउन लग रहा है, कर्फ्यू लग रहा है, नाइट कर्फ्यू लग रहा है। उन्होंने लेटर में मेंशन किया कि अभी लोगों को जॉब पे जाने में दिक्कत हो रही है, उनको अपने शॉप खोलने में दिक्कत हो रही है, जिससे वो अपने लोन ईएमआई की पेमेंट ना करें। उस लेटर में ये भी मेंशन किया गया है, अगर आप मोरेटोरियम नहीं दे सकते तो कम से कम बैंकों को ये आदेश दे दे कि जब तक ये सिनारियो चल रहा है, जब तक लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, क्योंकि देश में लगातार कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अभी किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने लोन ईएमआई की पेमेंट करे। इतने पैसे तो बात छोड़ दीजिए, उनके पास अभी इतने पैसे भी नहीं है कि अपने घर को वो चला सके। तो अभी सबसे अच्छा यही रहेगा कि उनके स्टेट में उनके जनता को कुछ दिन के लिए लोन ईएमआई से राहत मिलनी चाहिए, और ये डेट 30 जून तक बताई गई है। ये डेट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी कहाँ नहीं जा सकता कि कोरोना महामारी कब तक रहेगी। और आपको जहाँ तक पता होगा, महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा घातक रूप ले चुकी है। महाराष्ट्र में डेली के हजारों में केसेस आते हैं कोरोना के नए देखने को। इसके मद्देनज़र महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा, जिसमें मोरेटोरियम की मांग की गई। तो आपको क्या कहना है कि आपके स्टेट में भी मोरेटोरियम आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।